हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं आया हूँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ से मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड टूर के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देवप्रयाग से आगे मैं वापसी आ गया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो मैं फिर से वो टूर स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं इस टूर में कैसा क्या होता है और कैसे जाते हैं। चलिए चलिए गाइस, मैं रेलवे स्टेशन तो पहुंच गया और यहाँ पर देखिए सामने जो देख रहे हैं, अब यही ट्रेन यहाँ से हरिद्वार की तरफ जाएगी। और ये एक बात यह है कि ये पूरी ट्रेन जो जनरल में है, जिसमें आप लोकल जो रेंट जो यहाँ का जो फेयर प्राइस होता है वो 90 रुपये होता है, जैसे आराम से आप मतलब कम कीमत पर यहाँ से आप हरिद्वार जा सकते हैं। ये देखिए अभी हम अपनी सीट देख रहे हैं, जहाँ खाली मिल जाए वहाँ पर हम आराम से बैठ सकें। चलिए सीट देखते हैं पहले। अब हम चले गए, देखिए हमें सीट मिल गई। और मैंने जो बताया था आपको, देखिए यहाँ पर इतनी भीड़ भी नहीं है, पूरी सीट खाली है। देखिए साइड देखिए, जैसे आप शाम को मतलब जाने का कोई प्लान बनाते हैं हरिद्वार के लिए, तो सबसे बेस्ट ट्रेन है ये जो दिल्ली से हरिद्वार जाती है। और इसमें यह है कि सीट की आपकी कोई कमी नहीं मिलेगी। चलिए अब बैठ के इंजॉय करते हैं। चले गाइस, फाइनली हम हरिद्वार पहुंच गए हैं, लेकिन थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ट्रेन हमारी बहुत लेट थी। अभी रात के 1 बजे हैं और अभी हम पहुंचे हैं हरिद्वार। और यहां का बाहर का नज़ारा देखिए आप, ये देखिए बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। यहां पर कितनी सारी भीड़ है, पहले जो यहां पर रूम अफोर्ड नहीं कर पाते, देखिए यहां पर बाहर ही सो रहे हैं देखिए। और बाकी लोग जो इस ट्रेन से जो आए हैं वो अभी रेलवे स्टेशन साइड की तरफ से आ रहे हैं। चलिए अभी हम चलते हैं यहाँ से हर की पौड़ी साइड की तरफ। चलिए गाइस, मैं पहुंच गया हूं हर की पौड़ी। अभी रात के 2 बजे हैं और यहां का नज़ारा देखिए कि अभी रात के 2 बजे भी लोग नहा रहे हैं यहां पर, देख रहे हैं। ये देखिए रात का व्यू, यहां पर रात के 2 बजे भी देखिए कितने सारे लोग आ रखे हैं, क्योंकि आज शनिवार हो चुका है। और यहां देखिए यहां की पब्लिक का भीड़ देख रहे हैं। और चलिए हम भी अभी चलते हैं रात के 2 बजे, हम भी नहा के देखते हैं कितना ठंडा पानी है। चलिए अब देखिए रात के 2 बज चुके हैं और मैं ट्राई करने वाला हूँ यहाँ के रात में 2 बजे ठंडे पानी का। तो मजा बहुत आ रहा है। चलो ठीक है गाइस, सुबह के 3 बज चुके हैं और अब हम यहाँ पे सोने वाले हैं, क्योंकि रात से हम शाम के 6 बजे से जगे हुए हैं। और अब चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि थक भी गए हैं कि सुबह उठना भी है अभी हम। और हमने यहाँ पर अपना लगा रखा बिस्तर, ये देखिए हमारा बिस्तर, ये हमने ऐसी जैसे टाट होती है उसे बिछा रखा है। और आज भी 2-3 घंटे यहीं पर आराम करेंगे, इसके बाद सुबह आरती देखेंगे हम। चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में मॉर्निंग में। चलिए।